कहा जाता है कि साहब अन्ना हजारे के आंदोलन फ्लॉप हो गया, रामदेव के आंदोलन फ्लॉप हो गए। आंदोलन कभी फ्लॉप नहीं होते हैं। 1857 की क्रांति थी, चिंगारी उछली, 1947 में कामयाबी मिली, समय जरूर लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, वक्त जरूर लगता है और वक्त के हिसाब से फिर समय भी तो हिसाब लेता है। समय किस तरह से हिसाब लेता है, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड वाले वाले पहन के। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बात है, क्या बात है, वाह। वक्त इस तरह से हिसाब लेता है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात, टाइम को अपनो महत्व है जी, मारवाड़ी लोग भी बैठे है क्या? हां बैठे हैं। टाइम को अपनो महत्व है, कोई भी काम हो टाइम को होना चाहिए। तू लो जब तोरण पर गयो तो लड़की की मां नाराज होगी, वहां पहली बार देखियो, बोले जी मैं तो मेरी छोड़ने को नहीं पाऊं, बिंद बूढ़ो है, कराती बराती सब समझा लिया। बोले ना जी, छोरी का तकदीर को नहीं पोड़ना, मैं तो को नहीं पाऊं, बिंद बूढ़ो है। हार करके भी को आज भी मैंने समझायो, देख भगवान तने जो भी फैसलो करना वो फटाफट करनी, और बूढ़ो है जावे। तो रामगढ़ का मैं झुलूंगा, ज्यादातर तो सब सेखावटी का लोग बाग बैठे, जयपुर का भी बड़ा हुआ है। बुजुर्गों ने किया कि आजकल आउटडेटेड समझते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, उनको आउटडेटेड समझते हैं, मोबाइल इंटरनेट में उलझे हुए बच्चे आज क्या जानते हैं सब, ये तो हो गया बस। वो अपने नहीं, इनके पास बैठो तो पता लगता है जीवन के अनुभव क्या है। आप लाख करोड़ कॉमेडी में उम्र देखते हो, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करो, ये बताएंगे कि हाथी और गेंद कहाँ होता है। एक ताऊ बस में सफर कर रहे हो तो एक नौजवान सिगरेट छील गई, आवाज से सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को पुड़ते चल गो, ताऊ कुछ नहीं बोले। नौजवान देखियो आ रहे जमाना में यहाँ को ताऊ गुस्सो कर बोलो, दूर हो तो कुछ कह ही नहीं रही हो, इसको बात करनी चाहिए। तो नजदीक आकर के बोलो ताऊ राम राम, ताऊ बोलो राम राम। नौजवान पूछो ताऊ कौन सो गाँव, ताऊ बोलो क्यों गाँव भी बालक हो गया। होली का अवसर है, राजस्थान में तो गणगौर तक होली रहे, सेखावाटी में तो गिंदर गैर चलती रहे। होली को जो मौसम है वो बड़ो रंगीन तबियत को मौसम है भाई। एक बहू अपना छोरा ना सासू का करने छोड़ करके पियर चली गई, तो 15 दिन बाद सासू फोन करे, बोले बहू जल्दी आ जा, छोरो बहुत उदास रहे। बहू पूछो सासू जी छोरो कौन सा उदास रहे, थार लोग मार लो। अच्छा मैं तो देखो सेखावाटी को नो, मैं थाने 3 दिन को काम दे दियो है, जखाने राजस्थानी समझ में नहीं आ रही, मैं 3 दिन तक हिंदियाला ने अर्थ कर करके बताता रहा। इसका क्या जी जो मजा है ना वो राजस्थानी में मैं बता दूंगा। मैं तो कह जी देखो सेखावाटी को रह बोलो वो मारेगा, हमें एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया। तो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहूंगा, तू यो बाड़ो ले, पिताजी ने हरिद्वार कर लिया वो चालो झुंझुनू जो पूरा बाड़ो दो, खुद जिम गोलवी का पिताजी ने घड़ी मेरठ गाजियाबाद गाज पास भटक को वापस चले गए, 12 दिन निकल गा, एक दिन भी ने खटको वो जी को बाप मरियो को, इतनी जल्दी कहीं आयो। तो वो तरकीब से पूछो, बोले यार रात ने सपना में मेरा पिताजी आया, वो बोला तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेजो, बोले पूरा बाड़ो दो खुद खा गो और मान दो, बीच में पट गया। तो वो दोस्त बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मर कर कभी अकल नहीं आई, सपना में जितनो अठिन चाले उतनो बठिन चाल दो हरिद्वार पहुंच जाओ।